नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में तीर्थस्थलों को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की दृष्टिगत यात्रा प्राधिकरण के गठन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस सिलसिले में अधिकारियों को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के ऐसे प्राधिकरण की गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके आधार पर यात्रा प्राधिकरण का खाका खींचा जाएगा और साथ ही प्राधिकरण पूरी तरह से चारधाम समेत अन्य यात्राओं के लिए समर्पित होगा। साथ ही यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर सक्रिय रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर जो हमारे चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम, केदार धाम और साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि में श्रद्धालु भी आते हैं, हमारे यहाँ पर्यटक स्थल भी हैं, नैनीताल है, मसूरी है, बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर 12 महीने जो है पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, तो इसलिए श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके। और आप इस प्रकार से देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन चारों धामों के लिए इस प्रकार से हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ऊपर अब तक जो है चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछले वर्ष लाखों लोगों ने दर्शन किए थे, तो हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। सीएम धामी का हरियाणा और दिल्ली दौरा। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। बंतो कटारिया के पक्ष में जनसभा का आयोजन। बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में जनसभा। सीएम धामी, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। सीएम धामी का हरियाणा और दिल्ली दौरा। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। बंतो कटारिया के पक्ष में जनसभा का आयोजन। बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा और दिल्ली दौरा। अंबाला से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। बंतो कटारिया के पक्ष में जनसभा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड शासन ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनकी ओर से सभी श्रद्धालुओं को अवगत करा दिया जाए और साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी चारधाम के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। रोडवेज परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरिद्वार जिले के साथ शुरू से ही भेदभाव किया जा रहा है, चाहे मूल निवास के मामला हो या सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का। उन्होंने कहा कि जहां हरिद्वार जिले के रुड़की को कुंभ क्षेत्र से बाहर रखकर विकास कार्यों से वंचित रखा गया, तो अब रोडवेज अड्डे और नवीन मंडी को शिफ्ट कर शहर की जनता के साथ सरकार कठोरवाद कर रही है। और साथ ही कहा कि भाकियू क्रांति किसी कीमत पर रोडवेज मंडी को शहर से बाहर नहीं ले जाने दी जाएगी। और साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि 1986 में ये बस अड्डा यहां और शहर की पहचान है। हो रही है उस चीज को कोई नहीं देख रहा, केवल रोडवेज दिख रही है कि किसी तरह इसको बंद कर दो। सारी जो प्राइवेट इन्हें बाईपास निकाल दिए हैं, तो जितने भी उद्योग यहाँ की ट्रैफिक है सारा उधर गुजार। सरकार काट रही 2000 पेड़, तो क्या पर्यावरण सही हो जाएगा? हम प्रदूषण के लिए अपनी गाड़ी में चलो बैटरी भी चला रहे, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवा रहे, वो प्रदूषण के वो तो कैसा आम जनता इस लोगों को कर लगी। सबसे ज्यादा पेड़ सरकार काट रही। ये देखो आप ये हाईवे बना, एक आदमी बता रहे रोड ले जाता है यहाँ से हस्त ना है, विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर।
चतुर केदार भगवान रुद्र नाथ के चल विग्रह डोले और अपने शीतकालीन गद्य स्थल गोपनीय नाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को गोपीनाथ मंदिर में विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ रुद्रनाथ जी के चल विग्रह डोली को मुख्य पुजारी के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग मंदिर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान आर्मी बैंड धुन और काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि 18 मई को भगवान रुद्र के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। घर घर गंगा जल पहुंचाने के केंद्र सरकार की योजना परवान चढ़ने लगी है। गंगोत्री और ऋषिकेश से भेजे जा रहे गंगा जल को डाक विभाग अहमदाबाद मेल और मसूरी एक्सप्रेस से देश के विभिन्न शहरों में पहुंचा रहा है। गंगा जल के 200 ml के बोतल की कीमत 15 रुपए और गंगोत्री से भरी जा रही बोतल की कीमत 25 रुपए रखी गई है। जीपीओ डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनुसूया प्रसाद चमोला ने बताया कि गंगाजल की डिमांड देश विदेश से काफी संख्या में आ रही है और जीपीओ देहरादून सभी को घर बैठे गंगाजल उपलब्ध करा रहा है और ये पक्ष अपने आप में बड़ी बात है। प्रदेश में हरिद्वार देहरादून अनुसूया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग के अनुसार गंगाजल मुख्य डाकघर पोस्ट शॉप ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल के माध्यम से भी मंगाया जा सकता है। देखिए गंगा जल का रिस्पॉन्स तो पहले से ही काफी अच्छा है और ये हर साल जो है ये बढ़ रहा है। अभी हम अगर पिछले कुछ सालों से अगर आंकड़ा देखें तो लगभग हमारा 4 लाख से लेकर के और 6 लाख के बीच में जो है बॉटल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3000 पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चूंकि लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, आपको गंगोत्री का गंगा जल उनके आसपास के डाकघरों से उपलब्ध हो रहा है तो ये एक अच्छी पहल है डाक विभाग की। गंगा जी के पावन धाम गंगोत्री में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और इस समय भक्तिमय और भव्य माहौल बना हुआ है। बता दें कि जनपद उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री के यात्रा के रूट खुले हैं और दोनों धाम पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है। पंचकेदार से एक चतुर केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली विधि विधान के साथ शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हुई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। गोपीनाथ मंदिर से गोपेश्वर गांव होते हुए मंडल मार्ग से डोली गंगोल गांव पहुंची जहां पर ग्रामीणों ने डोली का विधि विधान से स्वागत और पूजा अर्चना कर अर्घ लगाया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा स्वास्थ्य याभ्याम दिनांक पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः सविशरणं। आज दिनांक 16 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी का चल विग्रह गोपीनाथ मंदिर से प्रवेश कर चुका है, प्रारंभ कर चुका है और आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली गंगोल गांव में सूक्ष्म जलपान करते हुए वाड़ ग्राम से होते हुए वीटी बुग्याल में आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली का विश्राम रहेगा। तत्पश्चात 17 तारीख को भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली श्री रुद्रनाथ मंदिर में प्रवेश करेगी और मैं यहीं उखीमठ गढ़वाल प्रांत का रहने वाला हूं। मैं 2 बार पहले भी रुद्रनाथ जा चुका हूं और हम सभी लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अभी हम सभी लोगों ने डोली के साथ रुद्रनाथ जी के दर्शन करने का प्लान किया है।
चमोली में जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारियों ने आरोपी निलंबन की मांग की और युवती की माने तो जेलर लंबे समय से उसका शोषण करता रहा। तो वहीं डिप्टी जेलर नईम अब्बास का कहना है कि युवती से ब्लैकमेल कर रही है और पैसों की मांग कर रही है। इसमें अभी बेसिकली एक मामला हमारे संज्ञान में आया, जिसमें एक पीड़िता है, एक महिला बिजनौर की रहने वाली, उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है जो हमारे पिछाड़ी जेल चमोली के जेल अधीक्षक है उनके खिलाफ थी। उनके द्वारा उनसे शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। तो पीड़िता के द्वारा कंप्लेंट दी गई है हमारे यहाँ थाने में और उसके आधार पर एफ आई आर रजिस्टर की गई है और जो भी आवश्यक देहरादून स्थित डोईवाला क्षेत्र में पर्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और वहीं दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई और साथ ही दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल पर्दे की दुकान में भीषण आग लग गई, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण पर्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और साथ ही दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आदर्श नगर में एक महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या का कारण गृहक्लेश बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पहले बात हुई, रिचा नाम है मेरा, छोटी बहन हूँ उसकी, आधे घंटे पहले बात हुई मेरी, कही पोछा लगा रही मैं, अरे वो बात पलट गई। फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात होगी, नू कह रही की हाँ चीकू ठीक है, हाँ टीनी ठीक है, सत्य आयो अनुजा सत्य आयो। मैं मेरे पास 9 बजे फोन आया, उसने कहीं कहा मारने की कुछ, उन्होंने 9 बजे खुद कहा प्लानिंग करने मारने की बात है, ये मुझे कुछ प्लानिंग करके लाए हैं। वो चुप चुप के वीडियो को उस पे व्हाट्सएप पे उसने वॉइस कॉल करके वो नू कह रही मुझे कि रिचा कुछ प्लानिंग है इनकी, मुझे कुछ प्लानिंग करके लाए नोएडा से। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे नू लगा ऐसे ही कर रही होगी, डर रही होगी ये। निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी। आज पुराने बीजेपी नेता नरेश शर्मा ने अपने कार्यालय पर बीजेपी के नेताओं के साथ एक मीटिंग की, जिसमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने कहा कि नरेश शर्मा बहुत पुराने नेता हैं और विभिन्न पदों पर अपना दायित्व निभा चुके हैं, साथ ही वो क्षेत्र की होने वाली समस्याओं से भी वाकिफ हैं, तो उनकी मेयर पद पर की गई दावेदारी का वो समर्थन करते हैं। वहीं नरेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने पिछली बार भी मेयर के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी और किन्हीं कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था और साथ ही उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी आलाकमान उन्हें इस पर चुनाव लड़ने का मौका जरूर देगा।
बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता हूं और समाज में मेरी जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी से है और मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर सीट जनरल रहती है तो मैं मेरे के लिए उम्मीदवार हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी यही वो है, मुझे विश्वास है कि मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। मैंने पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा है लेकिन मैं किसी कारणवश से कुछ मेरी कमी रही होगी नहीं बन पाया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहा हूं और पार्टी के लिए कार्य किया है और करता रहूँ। पार्टी में तो मैं जन्मजात पार्टी से ही हूं, मैंने आज तक कोई दूसरी पार्टी देखी नहीं जब से अपना होश संभाला। शर्मा जी के आवास पर एक काफ़ी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिस बैठक में सबने निर्णय लिया कि भाई नरेश शर्मा जी मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाए डोर टू डोर। पहले भी इन्होंने संपर्क किया, पहली बार भी टिकट मांगा नहीं मिल पाया, कोई ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी। देवभूमि उत्तराखंड के विश्व परिषद चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा के व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने व्यवस्थाओं की मौजूदगी हालात को बयां किया और साथ ही आपको बता दें कि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यात्रा में अब तक 11 मृत्यु होने की पुष्टि की और गंगोत्री में यात्रियों के आने जाने के लिए गेट सिस्टम लागू किया गया। तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यात्रियों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होने पर यात्रियों को होल्ड भी किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है और केदारनाथ जी का, यमुनोत्री का और गंगोत्री जी का कपाट 10 मई को खुला था और बद्रीनाथ धाम जी का कपाट 12 मई को खुला। टोटल रजिस्ट्रेशन 14/5/2024 यानी कल तक 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, 4,21,366। किसान यूनियन अंबावता ने नई कार्यकारिणी का गठन किया जिसमें सुभाष चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया जबकि कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया और नए पदाधिकारियों का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाएंगे और किसानों की हर समस्याओं को प्राथमिकता से अधिकारियों के सामने उठाएंगे और उनका समाधान भी किया जाएगा। हमने अपने कार्यकारिणी का आज पहली लिस्ट जो है जारी करी है, इसमें विस्तार अभी जो आगे होगा होगा। फिलहाल जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनकी बाकायदा आपको प्रतिलिपि मिल जाएगी, उसमें आपके सामने सब चीज़ें होंगी। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे किसान संगठन बहुत सारे हैं? देखिए किसान संगठन बहुत सारे हैं ये आपकी बात वाजिब है, लेकिन किसानों के लिए लड़ाई किस तरीके से लड़ने वाले कितने संगठन हैं वो महत्वपूर्ण है। हमारे प्रमुख मुद्दे जो रहेंगे वो किसान हितों को लेकर रहेंगे, जिसमें बिजली और ये जो पानी से किसानों की फसल ख़राब हो रही है वो, खड़े खेतों में जो आग लगी है वो, और भी बहुत सी, ये गन्ने आज की तारीख में गन्ने के जो दाम मिल रहे हैं उससे ज़्यादा तो गन्ने पे लागत आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अंदेशा है जिसके साथ तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा और प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तापमान
बढ़ने के साथ साथ शासन प्रशासन को वनाग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है ताकि बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर विकराल रूप न ले सकें। 19 से 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है, और जो तापमान है क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़े जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे, और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे, और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी वो करीब करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन में कहूंगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं, और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4-5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। देहरादून में रिसपना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बता दें कि एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिसपना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, और जिस पर नगर निगम देहरादून ने अपना पक्ष रखते हुए मार्च 2016 के बाद अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही, और साथ ही निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई। वहीं पूर्व मेयर और वर्तमान में बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट मलिन बस्तियों पर नहीं, इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट का कहना है कि मलिन बस्तियों पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वो दोहरे मापदंड अपना रही है। पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की बात नहीं है, 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में, कल वो मेरे पास आए तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं लेकिन वो पुराने निर्माण हैं, और ऐसे ही वो 8 मामले निकले कि जो पुराने निर्माण थे। तो हमने कहा भाई जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है। देखिए मलिन बस्तियों में जो है नियमितीकरण को लेकर के या जो भी वहां पर ध्वस्तीकरण है उसको लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है, दोहरी नीति पर भाजपा सरकार चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश आप लेकर के आए, अब जैसे ही निकायों के चुनाव सिर पर हैं आप जो है ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं। सरकार जो है आखिर क्यों ऊहापोह में है, क्यों सटीक जो है नीति नहीं बना पा रही है? आपको जिनको विस्थापित करना पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए और फिर आप उनको जो है विस्थापित कीजिए। लेकिन सरकार जो है लोगों को उजाड़ने की बात तो बार बार करती है क्योंकि चुनाव में जो है डरा धमका करके जो है वोट तो हासिल होंगे। ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।